रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा, और ये मेरी समझ के पर है कि क्यों। भाई आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया, और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं, आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे तो कोई क्यों। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए हैं और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, भले वो सात निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहाँ से निकाल कर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले ही संन्यास ले लें पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए तो जेल जरूर जाना होगा। अरे आएगा इमोशनल कार्ड भैया, इमोशनल इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को कर दिया। वो बेचारे मजार में उनको छोड़ दिया संन्यास की घोषणा करके, वो बेचारे जितने बेरोजगार हो जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के सारे लोग, उनके नेता, उनके प्रवक्ता, वो लोग क्या करेंगे। अब धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।